यो व्हाट्सअप, क्या हाल है भाई लोग। भाई लोग, आज की वीडियो में एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है। वो न्यूज किसके उस पे है वो बताता हूँ तुम्हें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, भाई व्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर एक बहुत प्यारा व्लॉग आने वाला है ऋषिकेश से रिलेटेड। तो भाई व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और यहाँ पर भी शो हो रहा होगा, समझ रहे हो, उसे सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो में भाई आज की न्यूज जो है वो है रजत दलाल के ऊपर। रजत दलाल अरेस्ट हो गया था, सबको पता है, सबने वीडियो डाली कि क्या अरेस्ट हुआ, क्यों अरेस्ट हुआ, है ना। तो मैं पूरी एक बार कहानी बता देता हूँ कि रजत दलाल जिम में जाता था, उसमें एक बंदा आता था, तो वो उसने कुछ रील डाली होगी। तो वो रील क्या थी, तुम खुद ही देख लो। ये रील थी रजत दलाल के ऊपर, ये बोला गया था, ये देखो। देखिए भाई, तो उसके बाद रजत दलाल की वीडियो वायरल हो रही थी। रजत दलाल ने क्या करा, उसे घर से उठाया और फिर ऐसे गाड़ी वाड़ी में घुमाया, उठक बैठक लगवाई थोड़ी बहुत, जो भी है। तो ये सब हुआ उसकी कहानी के पीछे। ये दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी साबरमती पुलिस स्टेशन में जो FIR रजिस्टर्ड हुई है, उसमें जो ध्यान अजय भाई लोधा नाम का 19 साल का एक लड़का है, वो चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन की हद में एक 24 जिम नाम का है, वहाँ डेली वो जाता है। वहाँ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी एक दिन आया होगा, तो उसके साथ उसने सेल्फी निकाली थी। बाद में वो जब जाता था तो वो वहाँ जिम में जब आते वक्त उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग ये लड़के ने किया था, और बाद में उसने अपना इंस्टाग्राम ID थे वो वीडियो में अपलोड किया और उसमें लिख दिया कि ये जब मैं जिम जाता हूँ तभी आ जाता है और मेरा पूरा दिन खराब कर देता है। इसी वजह से जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नाम का जो ID है रजत 9629 वाला, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बोलता है, उसको कुछ गलत लगा, तो उसने अपना इंस्टाग्राम ID से लड़के को इंस्टाग्राम से कॉल किया और बताया कि अब जिम में आना है तो मैं आ जाता हूँ। तो लड़के ने उसको लोकेशन भेजा और एड्रेस भेजा, तो एक वो नंबर प्लेट आगे पीछे नहीं है, वो इस महिंद्रा थार गाड़ी लेके उसके सोसाइटी में गया और बाद में उसको दूसरी बार फोन किया, लड़का उधर आया तो वो महिंद्रा थार में जो पीछे दो उसके साथ आए थे लड़के, उसने ज़बरदस्ती उसमें गाड़ी में बिठा लिया और बोला कि तूने अपना वीडियो क्यों मेरा नाम खराब करके बिगाड़ रहा है, इसी हिसाब का बंदूक रख के उसको मारा, मारपीट किया। जो पीछे जो जो दो लड़के बैठे थे उसमें कुणाल सिंह राणा और शिवम मलिक थे, और जो था अपना रजत महेंद्र दलाल जो जिसकी बाद वीडियो अपलोड किया था, इसी हिसाब से उसको थोड़ा गलत लगा, तो वो सब उसकी मर्जी के खिलाफ उसको महिंद्रा थार में बिठा के एक जो तबेला है गाय भैंसों का वहाँ ले गया और वहाँ लड़के के मुंह पे कुछ गोबर लगाया, बाद में उसको फिर से मारा और अपनी गाड़ी में बिठा के जो एक सोसाइटी का ये अपार्टमेंट मकान है वहाँ ले गया। वहाँ लेके उसको वो सब उसका जो वॉशरूम है सब है, टॉयलेट वो सब साफ करवाया और बाद में उसको फिर से मारा, और मार के जो बेबान हो गया तब उसको वाहन में लाने के लिए हुआ, तब उसको घर पे आके छोड़ दिया। बाद में उसकी मम्मी को बुलाया और मम्मी को बोल दिया अगर लड़का छोटा है इसलिए अभी कुछ नहीं करते वरना हम उसको काट डालते हैं, हम इस टाइम के लड़के हैं और हम जिम में रेगुलर जाते हैं, ऐसी कुछ धमकी दिए। और उसकी जो हेल्थ कंडीशन थी थोड़ी ख़राब थी, इसलिए उस ध्यान को तुरंत उसने मम्मी ने SMS हॉस्पिटल चांदखेड़ा में उसको एडमिट किया, और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम में जो ये मामला फोन किया, पुलिस तुरंत पहुंच गई और मामले की छानबीन के उसके जो कंप्लेन लिखवाया वो तुरंत साबरमती पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर्ड कर दिया। ऑफेंस रजिस्टर्ड करने के बाद जो फक्त पहले तो ये रजत दलाल नाम का नाम से ही ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ था, तुरंत कौन कौन था जो थार गाड़ी थी जो ये क्राइम में इन्वॉल्व थी वो सब पुलिस ने तीनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और थार को भी ऑफेंस में रजिस्टर्ड में कब्जे कर लिया है। हम तीनों आदमी ने ये लड़के को मारा है, इसी खाल में जो 5 तारीख को वेरी नेक्स्ट डे उसको अरेस्ट भी कर लिया है और आगामी के मामले की तपास साबरमती पुलिस स्टेशन चला रहा। और भाई इस बंदे की, रजत दलाल ने जिस बंदे को उठाया था उस बंदे की मम्मी का भी इंटरव्यू था, उसकी मम्मी ने भी ये सारी बातें बोली हुई है, ये देखो। ये मेरे पास है, जहाँ तक इसका पूरा फोन नहीं छानूंगा ना वहां तक इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, बोले। मेरा बेटा पीछे से रो रहा था,
बोले जहां तक इसका पूरा फोन चेक नहीं करूंगा ना, आप प्रशासन, पुलिस प्रशासन में जाओ, मीडिया में जाओ, कहीं भी जाओ, मैं इसको अभी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा फोन चेक करूंगा, बाद में इसको घर पे लेके आऊंगा। अच्छा, आपसे कोई बातचीत आपके बेटे की करवाई थी उसने? उसने कुछ बात नहीं करने दी, कुछ बात नहीं। वो मम्मी मम्मी करता रहा कुछ बोलने के पहले, तो वो वीडियो या तो फोन बंद कर देते थे या तो लोकेशन कट कर देते, क्योंकि अगर बोलता कहाँ है तो मैं खुद जाती ना, उसको बोलने का मौका नहीं दिया उन्होंने। तो आपका बेटा कब लौटा, कैसे लौटा? मेरा बेटा मेरे बहुत फोन करने के बाद वो लौटा, वो जिस हालत में लौटा है ना मुझे ही पता है। क्या वही लोग छोड़ के गए? वही लोग छोड़ के गए, मेरे बहुत फोन करने पर वो लोग ही छोड़ गए, कि उनको पता चल गया कि इसके पेरेंट्स को पता चल गया है कि भई ये हमारे पास है, अगर इसको और कुछ करेगा ना तो हम फंसेगे, पर उन्होंने कुछ कसर नहीं रखी थी। अच्छा, छोड़ते वक्त भी कुछ धमकी आपको दी थी? छोड़ते वक्त ने उसका मोबाइल ले लिया इंस्टाग्राम में, उसका आईडी अपना खुद का डाल के रजत फादर ऐसा लिख के, रजत पापा ऐसा लिख दिया, रजत पापा, उन्होंने उसका पूरा आईडी बदल दिया है, पापा रजत दलाल लिखा है उसकी आईडी पे, पापा रजत क्या मेरा आदमी इस तरह से बोलता है, शर्म नहीं आती उसको? उसने यहाँ पे अवनी भवन पे उतारने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो, मेरा वीडियो उतारा उसने, मेरा हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, दस उठक बैठक पब्लिक बीच में करा, इसका क्या राइट है? बोले मेरे बच्चे को क्या चार बीच में क्या उठक बैठक कराऊंगी? उसने वहां पब्लिक प्लेस पे मेरे बेटे को चार रस्ते पे उठक बैठक करवाई, दस मेरे पैर छुआए, क्यों मेरे पैर छुआए, क्या बड़ा बनने जा रहा है? आपको धमकी भी, आपको भी थी? मेरे को धमकी दी है, वहाँ उसके दोस्त खड़े थे, कोई बेचारा उसका दोस्त आज वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया, बोले अगर पुलिस में गए या मेरा नाम दिया कोई भी आगे आया ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, हमको परिवार को भी मारने की धमकी दी है कि कोई भी इसका मतलब हमारे खिलाफ कोई भी गया ना तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, पुलिस ने जो कार्यवाही की उससे आप खुश हैं, क्योंकि तीनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, तीनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया? हाँ, हम पुलिस प्रशासन से बहुत खुश हैं, आगे भी हमको सपोर्ट करते रहे, हम भी उनको सपोर्ट करते रहे, पर हमको एक थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए, हमको डर भी लग रहा है कि अगर उनको बेल मिल गई तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मेरा बेटा डर गया है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो छूट गया तो वापिस उसके पास कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं ना, वो बहुत डर गया है। जी, आपको भी डर लग रहा है जिस तरह से पीटा गया है आपके नाती को? हाँ, डर तो लग ही रहा है ना, मेरा बेटा है, लड़के का लड़का है तो दुख नहीं होगा? हाँ, अगर आप मेरी जगह तो क्या करते, बोलो, दुख तो होता ही है ना। तो ध्यान के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या उम्मीद है आपको पुलिस से, क्योंकि जिस तरह से दीप्ति जी बता रही है कि बेल मिल गए हैं आरोपियों को, क्या आपको उम्मीद है आने वाले दिनों में? मैं एक ही बात कहूंगा कि हमको, हमारी जो सरकार है बीजेपी सरकार में, भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार है, हर्ष संघवी साहब हैं, हमारे गृह मंत्री हैं और हमारी जो लोकल पुलिस है, तो हम चाहते हैं कि अभी हम लोग इतना पीसफुली यहाँ पे रह रहे हैं, और जैसे कि कोई अपने आप को बोलते हैं कि हम हरियाणा से यहाँ पे आ रहे हैं और इस तरीके के न्यूसेंस करते हैं और बच्चों के ऊपर ऐसे अत्याचार करते हैं, मेरा बच्चा नहीं, मैं ऑल ओवर सबकी बात कर रहा हूँ, तो मेरे को सरकार से पूरी उम्मीद है, और मैं अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं हर्ष संघवी साहब, भूपेंद्र पटेल साहब को मेरी भी पूरी की पूरी जो वारदात है, इसके पेपर्स हैं, इसकी FIR की कॉपी है, मैं पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा उनको, और उन तक ये बात पहुँचे मेरे आपके माध्यम से कि अगर हमको वाकई में ऐसा, मेरे पूरे परिवार को ऐसा फील हो रहा है, और मेरा बेटा जब से एविडेंस हुआ है तब से वो घर के बाहर निकलना चाहता ही नहीं है, वो इतना डर गया है, तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा, हर्ष संघवी साहब से भी यही अपील करूंगा कि सरकार हमको पूरा पूरा सपोर्ट करे, सहयोग करे। अच्छा, आपका बेटा फिलहाल कहाँ है, क्या स्थिति में है वो? मेरा बेटे की कोई अभी स्थिति आपको बताने लायक नहीं, वो डर गया है, वो खड़ा भी होता है तो चल नहीं पाता, वो बेहोश हुआ था। ये रजत दलाल का एक्शन देख लिया, अब सब कह रहे कि उसके मुंह के ऊपर टॉयलेट किया गया रजत दलाल के द्वारा, और भाई की ना थोड़ा बहुत उठक बैठक लगवाई और गाड़ी में घुमाया, बहुत मतलब उसे तंग किया है ना। अब उसके ऊपर रजत ने खुद ही कुछ बोला भाई लाइव में आके कि क्या क्या झूठ है क्या क्या सच है, ये देखो भाई। सबको पता ही होगा कि मेरी अरेस्ट हो गई थी, मैं अरेस्टेड था, पर कुछ चीजें मेरे को ही जेल से आने के बाद, सब निपटने के बाद पता चली हैं, जो कि मैंने करी हो मुझे पता ही नहीं था। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है। बिलो द बेल्ट जाने की चीजें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूं और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। और FIR में क्या लिखा हुआ है? हाँ, इतना लिखा हुआ है भाई, मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूं और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूं, मेरे को बेल कैसे मिल गई? अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना, मैं जेल के बाहर कैसे हूं?
जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको भी सारी चीजें समझ में आती है, किसने क्या चीज करी है क्या नहीं करी। कोर्ट में हियरिंग हुई थी और जो मेरे ऊपर केस लगा था किडनैपिंग का, अपहरण का, दो तीन उसमें धाराएं और भी थी, उसमें बेल मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं होता भाई। जो हमारे जज बैठे हैं माननीय है, उनको बहुत अच्छे से समझ में होती है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और क्या क्या चीजें थी एक बार देख लो, लग जाता ना। इतना ही था। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने कुछ करा होता तो मैं बाहर कैसे हो जाता ना। मेरे को बिना किसी नोटिस के पुलिस वालों ने उठाया, जो कि कानूनी रूप से जायज चीज नहीं थी। वहां पे एक जगह आया हुआ है कि मैंने मारपीट करी, भाई मेरे हाथों में बहुत अच्छी खासी जान होगी, अगर किसी को मारूंगा तो किसी के निशान तो आएगा ना। उस लड़के के पूरे शरीर पे एक निशान नहीं है, सिंगल एक निशान। और जो उसमें बोला हुआ है कि मैंने किसी की पसलियां तोड़ दी, अगर पसलियां टूटती हैं तो कहीं फ्रैक्चर होता है, कहीं निशान आता है, कहीं कलर तो चेंज होता है ना, उसमें सब कुछ एग्जैक्ट है। उसके घर वाले हियरिंग तक पे नहीं आए भाई। कि एक होता है ना पुलिस चौकी में आके सब काम करवा के, अगर तुमने किसी पे केस कराए, पूरी हियरिंग के दौरान उनके वकील के पास एक सिंगल प्रूफ नहीं था किसी भी चीज का। जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है, मैंने टॉयलेट कराया है, मैंने मारा है, सब कुछ साफ कराया है, एक सिंगल प्रूफ नहीं था। और देखने तो पॉइंटर क्या क्या थे उनके, चोट के निशान थे, वो लड़का एक महीने से मेरे बारे में उल्टा सीधा डाले जा रहा था और अपने आप को सिग्मा बनाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि हाँ भाई मैं सिग्मा हूं। अपनी बारी में अगर कुछ चीज हो गई तो उन्हें प्रॉब्लम हो गई और एफआईआर कर भी दी। चलो सही है, बहुत अच्छी चीज है। एफआईआर का एक भी पॉइंट, सिंगल एक भी पॉइंट उन्होंने जब भी सुनवाई हुई उस टाइम क्लियर नहीं करा, ना मारपीट का, ना लड़ाई का, ना किडनैपिंग का। मेरे पास वीडियोज हैं, व्लॉगिंग कर रहा था उस टाइम, कि वो लड़का आके खुद मेरी गाड़ी में बैठा। उस लड़के को उसकी मम्मी के पास जब छोड़ के आया ना, उसकी पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। वहां पे 8-9 लड़के और खड़े थे, उस लड़के ने खुद अपनी मम्मी के पैर छुए, वहां उठक बैठक लगा के अपनी मम्मी से सॉरी बोली, मेरे से नहीं, मेरे पैर नहीं, अपनी मम्मी के पैर छुए। मेरे पास एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है, कहते हैं ना जिसको, प्रॉपर रिकॉर्डिंग। मैंने अभी तक कहीं डाली नहीं है क्योंकि मेरे को पता है हियरिंग के टाइम पे मेरे पास एविडेंस है। उसके पास एक सिंगल भी एविडेंस नहीं है जिसके बेस पे वो ये बोल सके कि रजत दलाल ने कुछ करा है। और ये चीज मीडिया में उछली कैसे? एक और केस चल रहा था किसी पुलिस वाले का, XYZ चीज थी, वो मैं बर्ली नहीं बोल सकता। उस चीज के लिए पुलिस वालों के वो मीडिया वाले आए हुए थे, मेरे लिए नहीं आए हुए थे। उनको उस केस से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरा केस डाल दिया। और भाई ये हमारी मीडिया इतनी प्यारी इतनी अच्छी है, मेरे ऊपर भाई एलिगेशन लगे हैं, मैं अक्यूज्ड हूं, मैं गिल्टी नहीं हूं। उन्होंने जो बात बोली है वो वर्बली बोली है FIR में कि रजत ने ये चीज करी, वो कहीं से कहीं तक उसका एक भी माननीय प्रूफ नहीं है। उस लड़के का मेडिकल तो हुआ होगा, पूरे शरीर पे एक चोट का निशान नहीं है, सिंगल एक चोट का। मैंने अगर ही ब्रूटली उसको मारा है, ब्रूटली वो पिटा है, तो कहीं तो एक निशान तो होगा, सिंगल एक निशान। अगर उसकी मैंने पसलियां तोड़ी हैं तो हड्डी टूटी होगी, निशान आया होगा, ब्रूज आया होगा, कुछ तो आया होगा भाई। मैंने उसके मुंह पे पेशाब कर दिया, ऐसा बोल रहे। अरे भाई इतने गए गुजरे नहीं है। मैंने किसी को किडनैप करा, उसमें ऐसा बताया गया है अगर मैं किसी को किडनैप करूंगा तो क्या मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगा? इतना चूतिया तो नहीं होगी भाई मैंने किसी को किडनैप करा और मैं पब्लिकली लोगों को दिखा रहा हूं ये मेरे साथ है। वो लड़का मैक्स टू मैक्स मेरे साथ 50 मिनट होगा। उसकी एक वीडियो जो थी ना मेरे साथ बैठे हुए की, मैंने व्हाट्सएप पे डालूंगा, उसके हाथ में फोन है, पुलिस वालों ने उसकी कॉल लॉग्स देखे होंगे, उसकी मम्मी के कॉल लॉग्स देखे होंगे। पूरे टाइम वो अपनी मम्मी के साथ कॉल पे था कि आ रहे हैं कपड़े चेंज करने। तो मेरे भाई इन चीजों का ना तो कोई प्रूफ है और ना मैं गिल्टी प्रूफ होने वाला, क्योंकि मैंने असल में चीजें नहीं करी हैं। जिनको भरोसा हो वो मान लेना, जिनको भरोसा हो ना मानना। अगर 1% भी मैं प्रूव होता हूं ना कि मैंने ये काम करे हैं तो सोशल मीडिया की सारी चीजों से मैं खुद गायब हो जाऊंगा। जिसको भाई भरोसा हो बहुत अच्छी चीज है, ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पास्ट में बहुत सारी चीजें करी होंगी, आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारी चीजें होंगी, पर इतने माड़े हम नहीं हैं कि किसी बच्चे को किडनैप करेंगे और उसके मुंह पे पेशाब करेंगे और उसको किडनैप करने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी भी डालूंगा कि देखो चलो मेरे साथ है।
वो लड़का मैक्स टू मैक्स एक घंटे मेरे साथ था। एक बार हियरिंग्स होने दो, सारी सारी वीडियोस, एक एक वीडियो कि वो लड़का, उस लड़के ने खुद हमें अपनी लोकेशन भेजी। मैं जिम में गया कि जिम के ओनर को बोला कि भाई ये लड़का आपकी जिम से ये चीजें कर रहा है, आपकी बाउंड्रीज के अंदर हो रही है, एक बार बोला दो। उन्होंने बोला पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकते। मैंने उस लड़के को फोन करा इंस्टाग्राम पे, मेरे पे नंबर नहीं था। उसने हमसे नंबर लेके हमारे ही व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेजी खुद। उसने हमको बुलाया, उसकी गली के कोने में मैं खड़ा था, पीछे शिवम ने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। वो अपनी मर्जी से मेरी गाड़ी में बैठा, अपनी खुद की मर्जी से। उसको जब उसके घर पे छोड़ के आए हैं ना, उसकी रिकॉर्डिंग है कि उसकी मम्मी के सामने क्या बात हो रही है। उसका रास्ते में दोस्त मिला, रास्ते में मेरे को दुकान तक पे रिकॉर्डिंग तक पूरी है, इसने साथ में थम्सअप पी। मुझे नहीं समझ में आ रहा लोगों को फेम के चक्कर में कितना कुछ करना पड़ता है, नाम उठाने के चक्कर में। मेरे को पता नहीं कब से छेड़े जा रहा है। तो भाई ना तो हम पीछे हटने वाले, ना किसी से दबने वाले, 1% नहीं दबने वाला, सिंगल 1% भी। जो भी चीज होगी लॉ के अंडर होगी, उसके बाहर कुछ भी नहीं होने वाला। पर ये चीज मैं तुम्हें साबित करके दिखा दूंगा कि मेरे हाथ से कुछ भी चीज नहीं। तो भाई ज्यादा इसके अलावा यार क्या ही चीज बोलूं ना, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब मैं उस लड़के को किडनैप करूंगा, इस चीज का तुक कहां से बनता है। और अगर किडनैप कर लिया तो मैं 50 मिनट बाद उसकी मम्मी के पास उसको लेके सॉरी क्यों बुलवा रहा हूं। तो भाई मेरे पार्ट पे बस इतनी चीजें थी, उम्मीद करता हूं इस चीज में साथ रहोगे। जो अपने हैं उनको समझ में आएगा कि भाई इतने गए गुजरे काम हम नहीं कर सकते। बाकी एक आध हियरिंग में सारी चीज क्लियर होगी। उन्हें पता तो लगना चाहिए कि उन्होंने कहां पे हाथ मारा है। डिफेमेशन का मैं दिखाता हूं, उसके बाद लीगली क्या चीज होती है, ऊपर से नीचे तक क्या जाता है। तो जो भी होगी भाई चीजें लॉ के अंडर होगी। मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं डाल सकता क्योंकि वो मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ की चीजें पब्लिक नहीं करने वाला। बस इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों का बर्ताव हमारे साथ ओके की रिपोर्ट था, कोई 1% प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे को कहीं से कहीं तक हाथ तक नहीं लगाया, कोई मान मर्यादा के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी थोड़ी बहुत चीजें थी वो होती रहती हैं। तो मेरे पार्ट में बस इतना था, मेरे को क्लेरिफिकेशन देना था। जिन जिन ने सुना भाई बड़ी मेहरबानी, सारे भाई ख्याल। देखा, समझ लो भाई अब कौन सा सच है कौन सा झूठ है इसका। भाई अभी तक कुछ ऐसे फैक्ट नहीं पता लगा, पर रजत दलाल ने खुद बोला कि भाई मैंने ऐसा टॉयलेट वॉलेट तो नहीं किया भाई, इतना कुछ नहीं किया जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं भाई। तो भाई अब पता नहीं, रजत दलाल के फैन भी होंगे जो फैन क्या बोल रहा है भाई मुझे पता नहीं। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है भाई। मैंने सारी क्लिपें डाल दी, ना रजत दलाल की साइड से अच्छी हुई डाली है ना उस बंदे की उससे अच्छी डाली, दोनों दिखाई कि हुआ क्या था पूरी सिचुएशन में, समझ रहे हो, कोई एक तरफा माहौल दिया है ना। तो आई होप की वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस, जय हिंद। और कमेंट करके बताओ कि कौन सा ये है।